पीएम किसान निधि का पैसा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है और नीचे सेलेक्ट मेन कैटेगरी, इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम है, आपका पैसा नहीं आ रहा, आना बंद हो गया, या फिर आपने अभी अपना फॉर्म भरा है वो अप्रूव नहीं हो रहा, तो वो कैटेगरी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आपने भी पीएम किसान निधि के लिए आवेदन किया है लेकिन आवेदन आपका अप्रूव नहीं हुआ है, किसी का ब्लॉक स्तर से पेंडिंग है, किसी का डिस्ट्रिक्ट से, किसी का राज्य सरकार से, तो किसी को कुछ किस्तें आई लेकिन उसको फिर आना बंद हो गई और रीजन का भी कुछ पता नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आपका पीएम किसान निधि का बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कंप्लीट पूरा देखने का है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी प्रोसेस बताऊंगा जिसके बाद आपका जो अप्रूवमेंट है यानी कि जो आपका आवेदन अप्रूव नहीं हुआ है वो अप्रूव हो जाएगा, या फिर आपका अप्रूव हो गया था किसी कारण से अभी आपको पैसा आना बंद हो गया, तो उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा कि कैसे आप उसको वापस से एक्टिव कर सकते हैं और अगर आपने आवेदन किया है तो उसको आपको कैसे अप्रूव करवाना है। तो दोस्तों ये 5 मिनट का वीडियो आपकी पूरी हेल्प करेगा, आपकी 100% मदद हो जाएगी इस वीडियो से, जिससे आपकी पीएम किसान निधि की किस्त आना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे आपको पीएम किसान निधि का बेनिफिट लेना है। तो इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नया कंटेंट अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब चलते हैं स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे आपको करना है जिससे आपका जो पीएम किसान निधि का आवेदन है वो अप्रूव हो जाए, और पहले से अप्रूव था लेकिन अभी आपकी किस्त आना बंद होगी तो वो आपको स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पीएम किसान निधि की वेबसाइट को ओपन कर रखा है। यहाँ पर आपको आपका स्टेटस चेक कर लेना है, और स्टेटस चेक करने के बाद जो भी स्टेटस हो आपका, वो आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको एक ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको एक नया पेज ओपन करना है, नया विंडो क्रोम ब्राउजर पे, और यहाँ पे एक वेबसाइट है पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की जो भारत सरकार है उसकी ही एक वेबसाइट है पीजी पोर्टल, उस पर आपको आना है। दोस्तों अगर आप जो केंद्र की योजना है, ये जो पीएम किसान निधि है, उसकी कंप्लेंट आप अगर किसी स्टेट पोर्टल पर करोगे तो वहां पर आपका समाधान नहीं होगा, क्योंकि इसका जो सारा समाधान है वो केंद्र सरकार के द्वारा होगा। तो इसके लिए आपको जरूरी है कि पीजी पोर्टल पर आना होगा। यहाँ पर आपको इसके लिए ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपकी किस्त नहीं आ रही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए आपको यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए लॉगिन करने के लिए ऑप्शन मिलता है, लेकिन क्योंकि आप फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना होगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर साइन अप, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी डिटेल भरनी है, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, एड्रेस डालना है, आपका पूरा एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाने हैं, ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पे डालना है, फोन नंबर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ वही चीज डालनी है जिसमें आपको स्टार अंकित दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप एक्स सर्विस मैन है तो आपको हमेशा इसको नो रखना है, क्योंकि अगर आप पीएम किसान निधि की कंप्लेंट करें तो आप एक्स सर्विस मैन नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड, ये कोड डाल के आपको अपना अकाउंट बना लेना है। इसमें आपको एक आपका यूजर नेम बनाना होगा, वो यूजर नेम आपको उसके बाद लॉगिन करना होगा। तो क्योंकि मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है तो मैं यहाँ से आ जाते हैं साइन इन पे, और यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर से आपने लॉगिन किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है पीजी पोर्टल। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले पब्लिक ग्रीवेंस, ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है। जैसे ही ओपन करता है तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको राइट साइड में दिखाई देगा, सॉरी लेफ्ट साइड में, तो आपको इसको ओके कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है स्टेट है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन हमें जो यहाँ पर चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे मोर। मोर पर करेंगे तो देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मर एंड वेलफेयर, यानी हमारा जो इशू है वो किसान से रिलेटेड है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको मेन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपको पीएम किसान की जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए पीएम किसान रिलेटेड इशू, क्योंकि हम पीएम किसान निधि की बात करें तो यहाँ पे हमने पीएम किसान निधि रिलेटेड इशू सेलेक्ट किया, और उसके बाद आपको कर देना नेक्स्ट पे क्लिक।
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आपके स्टेटस में वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे देखिए अप्रूव डॉक्यूमेंट बाय स्टेट, यानी कि अगर आपका डॉक्यूमेंट स्टेट द्वारा अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप इस पे कर सकते हैं। नो रिसीव्ड फीडबैक फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फीडबैक नहीं दे रहा है। पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स फार्मर्स डिक्लेयर्ड इनकम टैक्स पे, यानी कि जो फार्मर है वो इनकम टैक्स पे बता रहा है, तो यहाँ पर ये इससे रिलेटेड इशू आपको आ रहा है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए पोटेट स्टॉपेज एस ऑफ इंस्टॉलमेंट आफ्टर इशू ए फ्यू इंस्टॉलमेंट, यानी कुछ किस्तें आई उसके बाद आपके आने बंद होगी, ये इशू भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पीएम नो रिसिप्ट ऑफ पीएम किसान इंस्टॉलमेंट, यानी आपको कोई भी रिसिप्ट नहीं मिली है पीएम किसान इंस्टॉलमेंट की। यहाँ पर आप अपना जो बेनिफिट रिसीव रॉन्ग अकाउंट है, यानी कि जो आपने खाता दिया था वो गलत है, आप उसे सही करवाना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रहा है। अपडेट बैंक अकाउंट पोर्टल, आप अपने पोर्टल पे बैंक अकाउंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो भी फैसिलिटी हो जो भी आपको लगे वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नए हैं तो यहाँ पे देखिए जो नो रिसिप्ट है ये फर्स्ट है वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको अगर पहले किस्तें आ रही थी अभी नहीं आ रही है तो आपको ये नीचे वाला स्टॉप इंस्टॉलमेंट आफ्टर इशू ऑफ फ्यू इंस्टॉलमेंट ये आपको कर लेना है। तो हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, यानी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको डिस्क्रिप्शन देना है। अभी जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ किस्तें आई तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मुझे इतनी किस्तें प्राप्त हुई, उसके बाद बिना किसी कारण से मेरे खाते में पीएम किसान निधि की किस्तें आना बंद हो गई हैं, मैंने बहुत कोशिश की तहसील स्तर पर जिला स्तर पर लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकला, मैं चाहता हूँ कि श्रीमान आप मेरी इस समस्या का समाधान करें और मुझे जो पीएम किसान निधि के जो लाभ हैं उनसे वंचित रखा गया है, तो आप मुझे लाभ जो लाभार्थी बनाने की कोशिश करें। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर आपको क्या करना है, चूज फाइल, यानी कि आपको यहाँ पर आपकी फाइल सेलेक्ट करनी है, आपकी कौन सी फाइल, जो आपने पीएम किसान निधि का स्टेटस है जो आपने वहां से स्क्रीनशॉट लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था आपको इस वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लेना है, आपको पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी होगी, तो आपने जो भी वहां पे स्क्रीनशॉट लिया था उसकी आपको पीडीएफ फाइल बना लेनी है। तो यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ फाइल मैंने बना रखी है और मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल आ गई है। अब आपको करनी है अटैच, अटैच करने के बाद आपकी जो फाइल अटैचमेंट सक्सेसफुली हो जाता है, 58 KB की फाइल थी, अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको अगर आपने कुछ रिमार्क नहीं दिया तो आपको रिमार्क देना होगा, और उसके बाद अगर आप नेक्स्ट करते हैं तो आपकी जो कंप्लेंट थी उससे आपको दोबारा से कंफर्मेशन मांगा जाएगा और आपकी जो भी कंप्लेंट होगी वो यहाँ पर रजिस्टर्ड कर ली जाएगी। अब दोस्तों आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको वेट करना है, आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे व्यू स्टेटस पे क्लिक करना है। तो ग्रीवेंस स्टेटस आपको यहाँ पे आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपकी जो भी ग्रीवेंस होगी उसके जो रजिस्टर्ड नंबर हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं, मोबाइल नंबर डालने हैं और सिक्योरिटी कोड डालकर आपको चेक करना है। इसका एक और भी ऑप्शन है, यहाँ पे वापस से क्लिक करते हैं, अपील स्टेटस, आपने जो भी अपील की थी उसका स्टेटस भी आपको आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पहले आपका जो अकाउंट है वो दोबारा से इसमें लॉग इन करना होगा, अपील नंबर आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे, जब भी आप कंप्लेंट करेंगे तो आपके मोबाइल पे विद मैसेज आ जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप भी अपनी पीएम किसान निधि की जो किस्तें हैं उनसे आप वंचित हैं तो आप उनको ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें आउट ऑफ पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।